हाय, अनुपम मित्तल द असली शार्क फ्रॉम शार्क टैंक बाहर से बहुत काम हूं अंदर से सारा दिमाग खराब है सटके ले हो टोटल टोटल, लेकिन बाहर मेरा एकदम काम है जा? लेकिन अंदर पैनिक चल रहा रहता है हमेशा चौबीसों घंटे हाँ और मेरे को एक्चुअली क्या है ना अभी पहले मैं बताता नहीं था अभी आपके शो पे आया हूँ आप मेरे पुराने दोस्त हो और आजकल मैं खुल के इसलिए इसके बारे में बात करता हूँ क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों को इसको सीरियसली लेना चाहिए इसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं जी मतलब मेरे दिमाग का जो स्पीड है एंड इट इज़ गोइंग एट टू हंड्रेड माइल्स एन आवर लेकिन बाहर से मैं आपको बिल्कुल शांत नजर आऊँगा एंड इट इज़ गोइंग इन ट्वेंटी डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम तो वो कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है एंड दैट कैन ट्रांसलेट इन टू पैनिक अटैक्स वो पैनिक अटैक थैंकफुली काफ़ी साल से हुआ नहीं बिकॉज आई सीक हेल्प आई हैव अ काउंसिलर तो मैंने संभाला है उसको लेकिन पहले काफ़ी तकलीफ़ होती थी बैठे बैठे दोस्तों के साथ मुझे याद है सडनली पैनिक अटैक हो गया और पैनिक अटैक होना कोई मामूली बात नहीं है आप हड़बड़ाए आते हो मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि आप शर्मिंदा हो जाते हो तो ठीक है कोई नहीं

भी ऐसी सिचुएशन में नहीं हुआ कि मैं काम पे हूँ और मतलब या कोई पब्लिक सिचुएशन में हूँ और पैनिक अटैक आ गया uh, एक दो बार शायद हुआ था बट आई वाज एबल टू क्विकली गेट अवे जब भी हुआ जनरली मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ हुआ तो दे आर नॉन जजमेंटल एंड दे अंडरस्टूड एंड दे न्यू माई सिचुएशन और वो ठीक हो गया मतलब अभी तो बहुत साल हो गए हुआ ही नहीं है एंड थैंकफुली होपफुली होगा भी नहीं मैंने जब उसको देखा ये महसूस किया कि ये हर तीन चार साल में मुझे अटैक हो जाता है और ये देखो आप अगर आपको जीएडी होता है जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं उसे तो आपको ये पता नहीं होता है क्योंकि आपको ये लगता है कि हर आदमी ऐसा महसूस करता है यू डोंट नो वाट इज़ नॉर्मल तो मुझे जब पैनिक अटैक हुआ तब समझ में आया तो बस ये तो नॉर्मल नहीं है तो जब उसके लिए मैंने हेल्प सीक किया तब समझ में आया कि भाई पैनिक अटैक तो कभी कभी होता है लेकिन आपको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो वो जो हमेशा का जो आपको लेवल है ना एंगजाइटी का दैट इज़ नॉट नॉर्मल हर आदमी का यहाँ है आपका यहाँ है तो फिर उसको जब समझ में आया संभालना शुरू किया मेडिटेशन एक्सरसाइज और फिटनेस का ये भी एक कारण है बिकॉज आई हैव टू स्टे फिट कीप दैट इन कंट्रोल टू मैनेज दैट तो ठीक है यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई प्राउड की कोई बात नहीं दिल, दिल से यार मैंने ये देखो भाई जब आप अब टीवी में आ रहे हो आप ऑनप्रनर हो आप्फ्लुशियल पीपल हो कंट्री में ये सब बहुत कम लोग बोलते हैं मेरे जेडी के कारण मुझ में जो क्रिएटिविटी है और आप बहुत क्रिएटिव लोगों में ये पाओगे उनमें यह प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ दैट जी ए डी आई एम वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव तो या तो मैं ये बोल दूँ कि मुझे परफेक्ट होना है ऐसा आदमी आप मेरे को दिखा दो hmm. या तो मैं आप ये बोल दूँ कि मेरी क्रिएटिविटी ले जाओ और जी ए डी भी साथ में ले जाओ hmm. तो आई डोंट वॉन्ट डू गिव दैट आप तो दैट इज द कॉस्ट ठीक है सबका कोई ना कोई कॉस्ट है हर आदमी में कमजोरी है इसको मानसिक रूप दे मानसिक बीमारी का रूप देकर लोगों ने इसका नाम खराब कर दिया है ये एक क्रिएटिविटी का भी रूप है तो उस उस तरह से देखना चाहिए तो आई थिंक इट इज़ ए स्पेशल गिफ्ट और उसको आप हार्नेस करो तो सही रास्ते पे निकलोगे उसको आप बीमारी समझो तो फिर ज़िंदगी भर रोना बस इतनी बात है